नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। उमेश पाल की हत्या का आरोपी एक एनकाउंटर हुआ है। पुलिस बदमाश को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि एसओजी और पुलिस ने यह एनकाउंटर किया है। इस एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर है। पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। उमेश पाल की हत्या में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार को अरबाज ही चला रहा था। सल्लापुर का रहने वाला मारा गया बदमाश अरबाज पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। अरबाज अतीक की गाड़ी भी चलाता था। धूमनगंज इलाके में नेहरू पार्क के जंगल में अरबाज को मार गिराया गया। बता दें कि अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर संदीप निषाद की हत्या के बाद यूपी में एसटीएफ की 10 टीमें हथियारों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दी हैं। इसी बीच पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के घर के पास से सफेद रंग की केटरा कार बरामद हुई। बदमाश गोलियां बरसाने के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गए थे। उमेश पाल की हत्या का आरोप अतीक और उसके बेटों पर ही है। पुलिस ने क्रेटा कार को जब्त कर लिया है। ये कार अतीक के घर से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी मिली। क्रेटा कार में नंबर प्लेट भी नहीं है। क्रेटा कार से ही हत्यारे उमेश का पीछा करते हुए पहुंचे थे। बरामद क्रेटा कार के इंजन नंबर चेचिस नंबर के सहारे पुलिस जांच में जुटी है। जांच में सामने आया है कि उमेश की हत्या करने आए साथ में दो बदमाश अतीक गैंग के थे। 10 टीमें कर रही हैं आरोपियों की तलाश। आई देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे यूपी स्टेट प्रभारी धनंजय प्रजापति के साथ, क्राइम ब्यूरो अखिलेश यादव के साथ। ये जानकारी मिल रही है और ये दो बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं जो में हुआ, ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई थी, ये जानकारी मिल रही है। और अभी इस समय अस्पताल में मौजूद है। उन्हें बड़ी कार्रवाई इस वक्त हम देख रहे हैं। एनकाउंटर किया गया, अरबाज नाम के बदमाश को एनकाउंटर हुआ है। जानकारी मिल रही है नेहरू पार्क के जंगल में ये एनकाउंटर हुआ है। और अभी एसओजी और जनपद पुलिस ने एनकाउंटर को अंजाम दिया है। अस्पताल के अंदर इस समय बाकी लोग मीडिया बाहर कर।